टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। नेक्स्ट टाइम 15 अगस्त हम लोग मंगलवार को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपने आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं और इस 15 अगस्त को सभी लोग अपने अपने तरीकों से काफ़ी ख़ास ढंग से मनाते हैं। पूरे देश भर में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी लोग अपने अपने तरीकों से अपने अपने ढंग से इस स्वतंत्रता दिवस को, इस आज़ादी को जो है वो मनाते दिखते हैं। आज हम बिहार की जनता, साथ ही साथ देश की तमाम जनता से जानना चाहते हैं कि ये आज़ादी के 76 साल उनके लिए क्या कुछ मायने रखता है या किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस को वो मनाना चाहते हैं। ये जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, क्या सचमुच वो आज़ाद हुआ है या नहीं, या फिर आज़ादी को लेकर उनकी क्या राय है, हम उनसे जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हमारा देश आज़ाद हुए 76 साल हो गया, मंगलवार को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये आज़ादी कितना महत्व रखता है, आपको अपने हिसाब से बताइए कि इंडिपेंडेंस डे कैसे खास होने वाला है। यह आज़ादी बहुत महत्व रखता है, ये हमको स्वतंत्रता का याद दिलाता है। तो ये आपके लिए कैसे मायने है कि ये स्वतंत्रता दिवस? मेरे लिए क्या, पूरे देशवासियों के लिए बहुत मायने है। क्या लगता है ये स्वतंत्रता दिवस लोगों के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि आज़ादी के हम लोग 76 साल पूरे कर चुके हैं, अब 77वें साल को मनाने की जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग पूरे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। और जहाँ तक पहले जो गुलामी थी, पहले बहुत तरह का परेशानी था, अंग्रेज़ों का राज था, आज हम सब आज़ाद हैं और यहाँ के हर नागरिक अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम आज़ाद देश में जन्म लिए हैं, हम आज़ाद हैं। आज़ादी का सही मायने क्या है, किस तरीके से लोग कहें कि अब हम पूरी तरह आज़ाद हो गए? देखिए, पूरी तरह दिल से देखिए तो हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन हमको कुछ भी मेहनत करने की या मिलजुल करके चलने की ज़रूरत है। अभी के जो माहौल आजकल चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से हम लोग सब मिलके आज़ाद हुए थे, उसी तरह से आज़ादी से हम लोग सब मिलके चलें और हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे। इस इंडिपेंडेंस डे पे तमाम जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं आज़ादी को लेकर, इंडिपेंडेंस डे को लेकर संदेश क्या देंगे? मैं तो अपने पूरे भारतवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अमन चैन भाईचारा से सब मिल के रहें और सब एक दूसरे को ज़रूरत पर साथ दें और हमारा देश महान है और महान रहे। चलिए, इन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से बता दिया कि आखिर इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज़ादी का सही मायने क्या है, आप जवाब देना चाहेंगे? हमें तो हम लोग आज़ादी के 76 साल पूरे कर चुके हैं, अब 77वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये आज़ादी कितना महत्व रखता है, ये इंडिपेंडेंस डे आपके लिए कैसे खास है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहले तो हम जैसे कि इससे पहले कि हम लोग वो अंग्रेजों के पहले गुलाम हुआ करते थे मैम, और आज हम स्वतंत्र हैं, तो अपने विकास के लिए जैसे कि बहुत योगदान जैसे कि हम दे सकते हैं। आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं? जी मैम। तो एक स्टूडेंट के लिए आज़ादी काल या आज़ादी का जो समय चल रहा है वो किस तरीके से आप बताना चाहेंगे, तमाम स्टूडेंट को ये आज़ादी का महत्व कैसे बताएंगे? ये आज़ादी मैम पहले की जैसे कि थोड़ा सा मैम इस पर थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा वो ऊपर है। नहीं, आराम से बोलिए, एकदम बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि मेरे से बात कर रहे हैं, तो मेरे को समझाना है आज़ादी क्या है, तो कैसे बताएंगे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मैम देखिए, पहले जैसे कि जब अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम हुआ करते थे तो हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। बिल्कुल। इससे हमारा देश का जैसे कि विकास नहीं हो पाता था, शिक्षाओं में जैसे कि हमारा जैसे हमारे देश का निम्न स्तर था, तो इस तरह से जैसे कि हमारे जो देशवासी लोग हैं जो कि संघर्ष करते देश को जैसे कि आज़ाद जैसे कि किए, तो युवाओं के लिए एक तरह से आगे बढ़ने का एक तरह से स्रोत खुल गया, प्रेरणा मिला आगे बढ़ने का।
तो छात्रों के लिए आज़ादी का क्या मतलब है? क्या आप एक स्टूडेंट है तो आप क्या क्या चीज़ ऐसे मिलनी चाहिए तो आपको लगता है कि छात्र सचमुच सब आज़ाद हुए नौकरी से लेके? हाँ, मैं पहले तो रोजगार है बहुत 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 बड़ा। यदि यदि जो सरकारें हैं यदि रोजगार पर थोड़ा सा ध्यान दे दें, शिक्षाएँ पर ध्यान दें, तो एक बहुत जिसे कि देश को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा जिसे कि हाँ योगदान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश क्या देना चाहेंगे बाकी जनता को? किसके उपलक्ष्य में? आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यही कि जिसे कि अपना पहले तो अपना इतिहास जिसे कि पढ़ना चाहिए, उसके बाद जिसे कि उसको फॉलो करना चाहिए और बताना चाहिए, सोचना चाहिए, और अपने विकास में जैसे कि अपने विकास में योगदान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए हम और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे हम लोग मंगलवार को सेलिब्रेट करने वाले, 76 साल आज़ादी के पूरे हो गए हैं, तो ये आज़ादी का महत्व क्या है तमाम जनता के लिए, बिहार देश के वासियों के लिए? देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं, और G20 जो हमारे देश में हो रही है बहुत गर्व की बात है। देश जो हमारे देश के ऐसे PM हैं जो G20 हुआ, बहुत गर्व की बात है। एक देश के नागरिक होने के नाते क्या लगता है आज़ादी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? देखिए, मतलब आज़ादी 76वीं पूरी होने पर हम लोग मतलब धीरे धीरे विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, पहले से ज़्यादा मतलब विकास हो रहा है। विकास को एक आज़ादी के तौर पर देखते हैं कि लोग अब संपन्न हो रहे हैं। क्या लोग अब संपन्न हो रहे हैं? हाँ, संपन्न हो रहे, धीरे धीरे सब संपन्न हो रहे। चलिए, एक संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य? देखिए, संदेश देना चाहते हैं अपने आप में भाईचारा बना रहे, और शिक्षा सबसे बड़े, शिक्षित रहेंगे तो भाईचारा बना रहेगा, बस यही कहेंगे। धन्यवाद। चलिए, और भी यहाँ कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले ये बताइए, आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं, 15 अगस्त को हम लोग 77वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये आज़ादी कितना महत्व रखता है और ये इंडिपेंडेंस डे देशवासियों के लिए क्या कुछ मायने रखता है? मैम, सबसे पहले तो ये बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि एक टाइम था जब हम इतने अंग्रेज़ों के गुलाम होते थे, और उससे लेकर के अभी हम लोग चंद्रयान 3 तक लॉन्च कर रहे हैं, और हम अपने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और इस तरह के कई सारे तमाम जो भी स्कीम्स हैं वो हमें बताती हैं कि किस तरह से हम अग्रसर होते जा रहे हैं अपने देश के जो भी पायदान हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो 75 साल हमारे पूरे हुए, तो पिछले वर्ष हमने मनाया था ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाया था, और अभी हमारा अमृत काल चल रहा है, तो वो इस सेंस को लेकर के चला जा रहा है, इस एम के साथ चल रहा है कि हम लोग और आगे अपने देश को बढ़ा सकें। एंड फाइनली मेरा वर्ड्स ये रहेगा कि अभी हमारा देश क्या है, विकासशील है, और इसे विकसित बनाना है, और ये सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर नहीं हो सकता, ये व्यक्तिगत लेवल से शुरू होगा जब हम अपने क्या कह सकते हैं, अपने अहम से उठ करके हम लोग देश के बारे में सोचेंगे, बस अपने लालच को ना देखें, क्योंकि हम लोग हर जगह देखते हैं कि भ्रष्टाचार, और आप लोग देख सकते हो कि डॉरी का एक्ट कब बना था, 61 के अराउंड में बना था, बट अभी भी वो हमारे समाज में है, तो ये जो भी सामाजिक बदलाव हो सकते हैं वो हमसे ही शुरू होंगे। नेशनल लेवल पर बस योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होने वाला है ना, जब तक हम अपने लेवल पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो चलिए, हाँ, आपने तो देशवासियों के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता दिया कि आज़ादी का मतलब क्या है, लेकिन एक महिला होने के नाते हम महिलाओं के लिए जानना चाहेंगे कि आज़ादी का मतलब। यस मैम, तो मैम महिलाओं का जो स्थिति रही है तो वो हमेशा से ही बदतर रही है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी में हम लोग रहे हैं, तो आज का जो सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो महिलाओं के लिए आज़ादी इस रूप में मैं देखती हूँ कि हमें विचार और अपने अनुसार अपने लाइफ के चॉइसेस रखने का मौका जो मिल रहा है वो मैं आज़ादी समझती हूँ। एंड और जितने भी सेक्टर्स हैं, जो भी आप बोल सकते हो, जितने भी हम लोग क्राइम्स देखते हैं वुमेन के अगेंस्ट, वो सब पे रोक लगानी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मे बी इट विल बी इन द हाउस होल्ड, क्योंकि हाउस होल्ड में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, तो अगर हम खुद से ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देन आवर फैमिली एंड आवर कंट्री मैन को कोई नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। फर्स्टली हमें खुद से वो बात बोलनी पड़ेगी कि या दिस इज़ आवर राइट।
इतना कुछ आपने बेहतरीन तरीके से बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि संदेश भी पूछना जरूरी है क्योंकि काफी बेहतरीन तरीके से आपने बताया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अभी करंटली अभी ये चल रहा है ना कि धर्म को लेकर के हम लोग देखते काफी सारे दंगे और इस तरह की चीजें पूरे देश भर में फैली हुई है, जो कि एक नकारात्मक पक्ष को दिखाता है। बट हम लोग ये चीज जानते हैं कि कोई भी जगह या जितने भी हम वॉर्स देखते हैं तो उसमें नुकसान ही होता है। तो अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ कि हिंदू या मुस्लिम दो, मतलब कि होता है ना कि हमारे उपनिषद में भी ये चीज़ कही गई है दैट कि जो राह है, जो मैनिफेस्ट करने का तरीका है वो अलग है, बट जो मेन कोर है कि जो धर्म का मेन कोर है, जो शिक्षा वो हमें देता है, वो सब सारे धर्मों में एक सा है। तो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए और भाईचारे को जितना हम लोग बढ़ाएंगे वो अच्छा होगा। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मिलजुल करके रहना है एंड इस देश को और आगे बढ़ाना है ताकि हमारा देश पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन करे एंड फाइनली विश्वगुरु बने। देश मेरा नहीं हमारा है, देखिए काफी बेहतरीन तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि आखिर इस स्वतंत्रता दिवस उनके लिए क्या मायने रखता है। आजादी के 76 साल पूरे हो गए हैं, 77वें साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिर आजादी का सही मतलब क्या है। हम अपनी जनता से भी पूछना चाहते हैं कि आखिर आजादी को लेकर उनका क्या कहना है, उनके लिए किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे जो है मायने रखता है। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।